संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से वीडियो नहीं मिल पा रही है आपको, कुछ पारिवारिक समस्याएं थी जिसके कारण हम वीडियो बनाने में थोड़ा सा असमर्थ थे। आज से कोशिश करेंगे आपको पहले की तरह ही वीडियो मिलती रहें और हम इसमें आगे धीमे 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 जो भी समस्याएं हैं उनको हल करते चलें। सांख्य कार्यक्रम में हमने एक ही वीडियो को जाना था और कुछ चीज़ें जान ली थी। आज हम उसमें प्रमाण कितने होते हैं, सांख्य कार्यक्रम में कितने मान्य हैं और जितने भी दर्शन हैं उसमें कितने मान्य हैं, इसके बारे में विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें दो कार्यक्रम दे रखी हैं तो दोनों कार्यक्रम को जानने के बाद हम उसको अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपको प्रमाणों में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो सीधे हम दोनों श्लोकों को लेते हैं और फिर सीधे सांख्य कारिका। प्रमाण की चर्चा करेंगे आज हम इसमें, क्योंकि बिना प्रमाण के किसी भी प्रमेय को आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो पहला श्लोक ले लेते हैं, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धित्वात्। त्रिविधं प्रमाणं इष्टं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। ठीक है, एक श्लोक तो यह है, कार्य का मान के चलिए, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धित्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। एक और है फिर जानने का अच्छे से प्रयास करेंगे। प्रतिविषया अध्यवसाय दृष्टम। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। आगे बोला गया है, तदलिंग लिंगे पूर्वकम् आप्त श्रुति आप्त वचनम तु। ये दो हैं, एक बार देखते चलें, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे तो बात साफ होती चली आई। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धित्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणिधि। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्तश्रुति आप्तवचनम तु। पहली वाली जो कारिका है इसमें बताया गया है कि कितने प्रकार के प्रमाण हैं, कितने प्रकार के प्रमाण हैं, उन प्रमाणों की आवश्यकता क्या है, दो चीजें बताई गई हैं। दूसरी वाली इस कारिका में बताया गया है कि कौन से प्रमाण क्या करते हैं या उनकी पहचान क्या है तीनों प्रमाणों की। तो अब हम थोड़ा थोड़ा विस्तृत में जानेंगे और उम्मीद करूंगा
इस वीडियो के बाद में आपको प्रमाण में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ना कि दुविधा में फंस गए, वो नहीं होगा। तो दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम, ये तीन है, अनुमानम, आप्तवचनम। पहला है दृष्टम, दूसरा है अनुमान, तीसरा है आप्तवचन। ठीक है, दृष्ट का मतलब होता है वैसे देखना, तो यहां पर जो दृष्ट है इसको हम जानते हैं प्रत्यक्ष के नाम से। ठीक है, प्रत्यक्ष को सभी जानते हैं, दृष्ट को बहुत कम जानते हैं। तो दृष्ट का मतलब यहां प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष को भी आपको बताता चलूं, प्रत्यक्ष से तात्पर्य आंखों के सामने, ऐसा नहीं है। चीजों को एक उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। यहां जो प्रमाण प्रत्यक्ष लिया गया है, वैसे तो इसमें विस्तृत रूप से समझाया गया है, लेकिन थोड़ा सा बताता चलूं, दूसरी कार्यक्रम में बहुत अच्छे समझाया, मैं उसको बहुत विस्तृत में समझाऊंगा। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, उनसे जब किसी वस्तु का संपर्क होता है तो उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये इंद्रियों के सामने होना अनिवार्य है प्रत्यक्ष में। कोई सी इंद्रियों हो, चाहे वो जिह्वा हो, आंख हो, नाक हो, कान हो, त्वचा हो, इनसे वस्तु संपर्क होना चाहिए। अगर संपर्क नहीं है, अर्थात वस्तु का अभाव है, तो वहां प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वस्तु के अभाव में इसलिए दूसरे नंबर पर रख दिया, वस्तु तो हो लेकिन इंद्रियों के सामने ना हो। थोड़ा सा ध्यान देना, यदि वस्तु है और इंद्रियों के सामने है, थोड़ा सा मैं प्रमेय के बारे में एक बार और बताता चलो तो और बात है समझ में आसान हो जाएंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ समझाना है। प्रमेय जो है, यहां जो प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की जो सिद्धि होती है, यहां पर जो लिंग, लिंगी जो बताया गया है, लिंग जो शब्द प्रयोग किया गया है, मैं इसमें और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहां थोड़ा सा जैसे आ गया इसलिए समझाना जरूरी है। वो हेतु शब्द है, उसका मतलब, वो हेतु मतलब दो प्रकार के होते हैं, कारक, ये आप जानते ही होंगे, और दूसरा होता है ज्ञापक। तो यहां मैंने इसलिए बोला है कि आंखों के यानी इंद्रियों की जो सामने है और जो इंद्रियों के सामने नहीं है, दो चीजें हो गई। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। यहां अनुमान को आप यहां थोड़ा सा वैसे परोक्ष अनुमान मत मान लेना, प्रमाण मत मान लेना, लेकिन मैं यहां समझाने के लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे सामने कोई वस्तु है, वो दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पीठ पीछे नहीं है, तो वहां पर प्रत्यक्ष काम नहीं करेगा। तो ये जो हेतु होता है, जो प्रमेय होता है, वो ज्ञापक यानी कि लिंग के द्वारा उसकी पहचान होती है। अनुमान में यहां पर जो प्रयोग हुआ वो उसको कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होगा जिसके कारण हम अनुमान लगाएंगे, इसलिए यहां पर लिंग, लिंगी पूर्वकम बोला गया है। इसमें बात करूंगा, बहुत विस्तृत में जाऊंगा। ठीक है, तो यहां चिन्ह होना आवश्यक है, लेकिन वस्तु तो है लेकिन वो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। अंदाजा तो लगा सकते हैं हम उसको, अनुमान किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मैं इस कार्यक्रम में समझाऊंगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष जो इंद्रियों के सामने या इंद्रियों से संपर्क में है वो प्रत्यक्ष अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अनुमान इनसे हट करके इंद्रियों से जब परे चली जाती है चीजें, जब उसके संपर्क में नहीं रहती, तब वो परोक्ष मान लीजिए उनको, यानी इंद्रियों से परे, तो वो अनुमान के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसलिए प्रत्यक्ष से हट करके जो भी कार्य देखे जाते हैं, हर चीज हमारे सामने नहीं होती। मान लीजिए घड़ा बना हुआ है, घड़ा हो सकता है पहले से बना हुआ हो, ये भी हो सकता है कि आपके सामने घड़ा बनाया जा रहा हो, दो व्यवस्थाएं हैं। जो तुम्हारे सामने बनाया जा रहा है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा, और जो नहीं बनाया जा रहा, जो पहले से बनाया हुआ है घड़ा है, तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष हो गया। अर्थात सामने तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसको बनाया किसने, जब ऐसे अनुमान लगाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा, जैसे कुंभकार, अर्थात कुंभकार ने इसको बनाया, तो वो अनुमान में चला जाएगा। अर्थात कार्य तो हुआ लेकिन आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने वो नहीं हुआ। ठीक है, चलो ये आ गया समझ में।
अब इन दोनों से हटकर के भी कुछ चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आती, ना प्रत्यक्ष होती हैं ना वो परोक्ष से भी उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आत्मा के बारे में कभी कोई कहे या और किसी के विषय में, सृष्टि के बारे में कभी कोई कहे, तो वहां समस्या होती है। वहां पर किसी के वचन काम करते हैं, तो जो तीसरा प्रमाण दिया है वो आप्त वचन के बोला गया है, इसको आप्त वाक्य भी बोलते हैं, या यूं मान के चलिए इसको शब्द प्रमाण भी बोला जाता है। ठीक है, इन तीनों ही प्रमाणों में दुनिया के सारे प्रमाण समाविष्ट हो जाते हैं, या जितने भी दर्शनों में प्रमाण दिए हैं अब तक, वैसे 9 या 8 के समथिंग प्रमाण हैं, वो मैं भी यहां लिस्ट देने का प्रयास करूंगा आपको, बहुत अच्छे समझने में आ जाएगा, तो वो इन्हीं सभी में सम्मिलित हो जाते हैं। अब आप्त वचन क्या है, शब्द प्रमाण क्या है, ये मैं इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त वचन, शब्द प्रमाण या आप्त वाक्य, जो भी आप इसको कहना चाहें, शब्द प्रमाण के नाम से भी जाना जाता है, आप्त वचन के नाम से भी, आप्त वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तीन प्रकार के इन्होंने प्रमाण माने हैं, ये नीचे दे रखा है, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात सांख्य में, सांख्य दर्शन में तीन प्रमाणों को ही इष्ट माना है, सर्वोपरि मान लिया है। क्यों? इसमें बोला है सर्व प्रमाणम सिद्धित्वात्, दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धित्वात्, अर्थात इन्हीं तीन प्रमाणों से सारे प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है। एक तो ये है, दूसरा इसमें ये कह सकते हैं कि इन सभी प्रमाणों को इन्हीं तीन प्रमाणों में समाविष्ट कर लिया जाता है, अर्थात अंतर्भूत कर लिया जाता है, उसी में समा लिया जाता है, सभी जितने भी प्रमाण है। मैं अभी यहां प्रमाण दूंगा आपको तो वो समझ में आ जाएगा। अब तीसरी व्यवस्था ये दे रखी है, एक समझ में आ गया, तीन प्रमाण, सभी प्रमाण इसी में सम्मिलित हो जाते, तीनों में तीन प्रकार के प्रमाण ही इष्ट है सांख्य को। फिर कहते हैं, किसी ने पूछा, प्रश्न किया हुआ कि हम यहां प्रमेय पढ़ने आए हैं, आपको प्रमाणों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं सांख्य दर्शन एक प्रमेय शास्त्र है, याद रखना क्या है, प्रमेय शास्त्र है, प्रमाण शास्त्र नहीं है। ये प्रमाण की चर्चा कर दी है इन दो कारिकाओं में, लेकिन प्रमाण शास्त्र नहीं है। प्रमाणों को हम विस्तृत में जानेंगे न्याय दर्शन के अनुसार, कहां, तर्क भाषा में और तर्क संग्रह में, दोनों हम चला रहे हैं, कुछ कुछ हमने वीडियो उसकी बना दी हैं 2-3, और आगे उम्मीद है बहुत जल्दी उसमें शुरू करने वाले हैं। वहां हम प्रमाणों के बारे में बहुत विस्तृत में जानेंगे, क्योंकि एक एक शब्द की व्याख्या बहुत विस्तृत में की है वहां। तो इन्होंने कहा है कि ये प्रमेय शास्त्र तो नहीं है, प्रमाण शास्त्र तो नहीं, फिर यहां प्रमाणों की चर्चा क्यों की गई है, इसमें बोला गया है प्रमेय सिद्धि प्रमाण प्रमाणात ही, वो इसलिए की गई है क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए कि प्रमेय को जो सिद्धि होती है, अर्थात प्रमेय को जो जानना होता है, प्रमेय को जिसको जाना जाए, वो प्रमाणों के माध्यम से ही संभव है, अन्यथा की दृष्टि में आप प्रमेय को नहीं जान सकते। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको दो पंक्तियां बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्रमेय की चर्चा, प्रमाण की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि हम प्रमेय को जान सकें। चलो अब बात आगे चलती है, दूसरी कारिका पर हमने जान लिया दृष्ट अनुमान और आप्त वचन तीन प्रमाण हैं। अब तीन प्रमाणों को यहां विस्तृत में दूसरी कारिका में समझाया गया है। बोला गया है प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, अर्थात प्रत्यक्ष क्या है, दृष्ट क्या है, इसकी परिभाषा दी है उन्होंने, क्या दी है, प्रतिविषयाध्यवसायो, प्रतिविषय जैसे प्रत्येक, प्रतिदिन, ऐसे प्रति विषय, विषयम विषयम प्रति, अर्थात जो जो विषय दिखाई देते हैं उनकी सन्निकृष्टता, अर्थात उनके नजदीकी होने से, संपर्क में आने पर, जो अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब बुद्धि का जो व्यापार होता है, निश्चयात्मक व्यापार बुद्धि का अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब जान लेना बुद्धि का निश्चयात्मक व्यापार, जो भी उसका कार्य है निश्चित हो जाता है।
तो वह प्रत्यक्ष कहलाता है। अब थोड़ी सी और इसको समझने के लिए हम दूसरी चीज में चलते हैं। मैं इसको और समझाने का थोड़ा प्रयास करूं तो आपको शायद समझ में आ जाए। सदर्शन जब हम पढ़ेंगे, तर्क भाषा पढ़ेंगे, तो उसमें बोला गया है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात करने वाली प्रमा का जो करण है वो प्रत्यक्ष कहलाता है, साक्षात्कार करने वाला। ऐसे ही इसमें एक और व्याख्या है आगे चल के, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों की जो निकटता है, सन्निकर्षता है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम प्रत्यक्ष है। ठीक है, यही बात इन्होंने यहां कहा है। यानी कि बात तो वही है, प्रमा क्या होती है कि ना, प्रमा के साक्षात्कारी, प्रमा क्या है, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। अर्थात अनुभव कब होता है, मान लीजिए मैं इससे लिख रहा हूं मार्कर से, तो पता चल रहा कि काला लिखा जा रहा, तो ये यथार्थ अनुभव हो गया, यही प्रमा है। तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, और इसके साक्षात्कार करने से जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जिससे निश्चित हो जाता है, तो वही तो प्रत्यक्ष है। ठीक, चलिए उलझन आया है इसलिए थोड़ा सा और बताता चलूं यहां। तो इसी में बोला गया प्रति विषय, यानी प्रत्येक विषय, प्रत्येक विषय जो भी विषय हो, आंखों से दिखाई देता हो, कानों से सुनाई देता हो, नाक से सूंघ सकते हो, खुशबू को दो प्रकार की होती है, हमने तर्क संग्रह में समझाने का प्रयास किया, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इन सारी चीजों को बता चुके हैं हम एक बार, या त्वचा से स्पर्श किया जाता हो, उन सारे विषयों को, प्रत्येक विषय का जब संपर्क होता है अपनी अपनी इंद्रियों से, तो बुद्धि में एक निश्चयात्मक व्यापार होता है, निश्चित व्यापार होता है, ज्ञान मिलता है उसको। वही दृष्ट के अंतर्गत आता, अर्थात प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता। इसमें एक बात मैं और थोड़ा सा समझाता चलूं, शायद कम आया हो समझ। मान लीजिए किसी ने एकदम सांप को देखा, बुद्धि का व्यापार क्या है, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बुद्धि के व्यापार में तीन चीजें हो जाती हैं, हान, उपादान और उपेक्षा। ठीक है, इसी व्यापार का मतलब है, ये तीनों चीजों को निश्चय करता है कि इसको क्या करना है, यही व्यापार है। व्यापार भी समझ में आता नहीं, व्यापार का मतलब लेने देना सीधा सीधा है ना, हम साधारण भाषा में जानते हैं व्यापार का मतलब। जैसे ही व्यक्ति ने सर्प को देखा, किसी आंखों के द्वारा किसी व्यक्ति ने, तो सर्प को देखते ही इंद्रियों ने मन को दिया उसको ज्ञान, और ज्ञान मन से जो विषय था वो बुद्धि में पहुंचा। बुद्धि से क्या हुआ, बुद्धि में तीनों चीजें ढूंढी गई, हान, उपादान और उपेक्षा। हान का मतलब होता है जिसको छोड़ा जाए, जो विषय नहीं है, नुकसान दे सकता है या हमारे समझ से परे है, उस चीज को हान बुद्धि बोलते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये हमारे मतलब का नहीं और इससे नुकसान हो सकता है यदि काट ले तो, ये बुद्धि में निश्चय हो गया। ठीक है, उस बुद्धि ने फिर द्वारा से लौटाया। ये दो चीज होती है, एक तो इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों की तरह समझना, एक चीज बना दू, ये चीज है मन, यहां से आती है ज्ञान इंद्रियों से। चीजों को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, और ज्ञान इंद्रियों से मन में आया, मन से फिर बुद्धि में गया, बुद्धि में निश्चित व्यवसाय किया, व्यापार किया, अध्यवसाय के अंतर्गत हान, उपादान, अपेक्षा, तीन चीजों में बांटता है। यदि नुकसानदेह है तो उसको त्याग देना, हमारे काम की है तो उसको उपादान मतलब ले लेना, और ना हमारे काम की है ना हमारे लिए नुकसानदेह है तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना। ठीक है, इसीलिए तो हम रोज चलते हैं फिरते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे आंखें देख नहीं पाती या सुन नहीं पाती या महसूस नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि वो हमारे मतलब की नहीं है, इसलिए बुद्धि उसको छोड़ देती है। तो बुद्धि ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हुआ, मन को गया, मन से बुद्धि को गया, बुद्धि से फिर लौटता है, निश्चय होकर के, निश्चय हुआ और फिर ये वापस आया मन के लिए। अब मन क्या करता है, उसको फिर कर्म इंद्रियों को देता है।
ठीक है। कर्म इंद्रियां फिर उसको व्यवहार में लाती हैं, ये पूरा प्रोसेस है एक तरह से मान लीजिए प्रत्यक्ष वाले का, ठीक है। तो यहां पर निश्चयात्मक अध्यवसाय ध्यान रखना है, बुद्धि का निश्चयात्मक व्यापार। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलने से पहले थोड़ी सी एक बात और बताता चलूं, यहां त्रिविधम शुरू कर दिया है, इसको मैं थोड़ा बताऊंगा बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं किस दर्शन ने कितने प्रमाणों को माना है, ठीक है। थोड़ा सा इसके ज्ञान ले लेते हैं, बाद बाकी फिर बाद में चर्चा करते रहेंगे। प्रथम स्थान पर हम रखते हैं चार्वाक को, और चार्वाक के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ये मात्र प्रत्यक्ष को ही मानता है, चार्वाक दर्शन केवल एक मानता है प्रत्यक्ष को, ठीक है। दूसरे स्थान पर है सांख्य और योग, ये प्रमाणों को तीन प्रमाणों को मानता है प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन। तीसरे स्थान पर आता है न्याय, वैशेषिक, ये चार प्रमाणों को मानता है, दोनों न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन चार प्रमाणों को मानते हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन, चौथा है उपमान, ठीक है। चौथे स्थान पर हम रख सकते हैं प्रभाकर, ये मीमांसक हैं। मीमांसक दो प्रकार के भाग कर दिए हैं, दो भाग कर दिए हैं मीमांसा के, एक प्रभाकर के अनुसार, दूसरे कुमारल भट्ट के अनुसार। तो ये एक पांचवा प्रमाण और इसमें जोड़ देते हैं, अर्थापत्ति का, ठीक है। तो कितने प्रमाण हो गए तक, चार वाक एक को मानते हैं, सांख तीन को मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन, न्याय वैशेषिक चार को मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन और उपमान, प्रभाकर मीमांसक पांच को मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन, उपमान और अर्थापत्ति। इसी में कुमारिल भट्ट आते हैं, ये भी मीमांसक ही हैं, ठीक है, मीमांसक हैं। और इसी में अद्वैत, अद्वैत वेदांती, ये भी इसमें सम्मिलित हैं। ये दोनों, एक छठवां प्रमाण और है जिसको बोला जाता है अभाव, इसको मानते हैं, ठीक है। तो छह प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। एक हो रहा बच्चे अभी, पौराणिक, पौराणिक हैं, ये दो प्रमाणों को और अधिक मानते हैं। अब मैं इसमें ऐसे नहीं लिख रहा हूं कि सारे को लिखता चलूं, बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने ये क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, आपको याद रखना है। मैं बताऊंगा एक बार और, इन्होंने सातवें प्रमाण को और जोड़ दिया है संभव, और ये आठवां प्रमाण हो गया इनका ऐतिहा। हो सकता है इस वीडियो में पूरी चीजें ना बता पाऊं, ये सारे इन्हीं तीन प्रमाणों में समाविष्ट हो जाएंगे, वो कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। अब याद रखना है आपको, चार वाक एक को मानते हैं प्रत्यक्ष को, सांख्य योग तीन को मानते हैं, इसलिए तीन संख्या इनके आगे आ गई, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, न्याय वैशेषिक चार को मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन और उपमान, प्रभाकर मीमांसक पांच को मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन, उपमान और अर्थापत्ति, कुमारल भट्ट मीमांसक छह मानते हैं, और अद्वैत वेदांती प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, और पौराणिक आठ को मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव और ऐतिहा। ये आठों प्रमाण
पौराणिक मानते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्रम से लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 आपको समस्या ना हो, ये आपको याद कर लेना, कभी भी पूछ लेता। और इसमें एक चीज और विशेष रूप से बताता चलूं, किसी एक है नाम याद नहीं आ रहा मुझे, किसी के अनुसार वैशेषिक जो है, वैशेषिक दर्शन मात्र 2 प्रमाणों को मानता है, कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये विशेष है, इसको विशेष में रखना है आपको, और इसका अधिक अध्ययन करोगे आप तो और बातें आपको समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आएगी, मैंने यहाँ इसलिए रोक दिया था क्योंकि ये मुझे थोड़ा समझाना था। यहाँ 3 माने हैं जबकि संख्या इनकी कहाँ तक पहुँचती है, 8 तक, और काव्य शास्त्र में एक और जोड़ दिया इसलिए 9 पहुँच जाती है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, देख लेना आप। तो ये 3 हैं, 8 को बस याद रखना है, ठीक। अब हम इस पर आगे चलेंगे। दृष्टम समझ में आ गया, प्रत्यक्ष आपके जो विषयों के साथ इंद्रियों की सन्निकर्षता होती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, सीधा सीधा या आंखों से, कानों से, जिह्वा से, नाक से या त्वचा से जो भी संपर्क में आती है उनको प्रत्यक्ष बोला जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब कहते हैं अनुमान की बात आती है इसमें ना, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अब अनुमान को बताने से पहले 3 प्रकार के अनुमान मान लिए उन्होंने, संख्या बता दी है पहले से और आज फिर इसका चिन्ह बताया कि अनुमान होता क्या है, देख लेते हैं। 3 संख्याएं, पहला है पूर्ववत, दूसरा है सामान्य तो दृष्ट, तीसरा है शेषवत। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अर्थात 3 प्रकार के ये अनुमान प्रमाण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोला है लिंग लिंगी पूर्वकम, ये इसका लक्षण है। तो लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, ये इसका पूरा वाक्य होगा। लिंग लिंगी क्या है, लिंग और लिंगी, ठीक है। लिंग का मतलब क्या होता है, हेतु, मैंने बताया था आपको, और लिंगी क्या है, साध्य, व्याप्त, व्यापक, ये है व्याप्य और ये है व्यापक। व्याप्य छोटे स्थान पर होता है, व्यापक बड़े स्थान पर होता है, ये इसमें अंतर होता है, ठीक है। चलो हेतु को मैं अभी समझा रहा था आपको, हेतु 2 प्रकार के होते हैं, एक कारक हेतु होता है, दूसरा होता है ज्ञापक हेतु। तो यहां पर हेतु इसलिए प्रयोग किया गया, यहां हेतु जो प्रयोग किया गया वो ज्ञापक हेतु के लिए प्रयोग किया गया, क्यों, ज्ञापक हेतु और कारक हेतु आप अच्छे से जानते होंगे, फिर भी थोड़ी चर्चा करता चलूं। कारक हेतु से तात्पर्य है जो कार्य नहीं है उसको करने में जो कारण हो या कारक हो वो कारक हेतु कहलाता है। कोई भी कार्य हो उसके उत्पन्न करने का जो कारण होता है, या उत्पादन में ये मान के चलिए, उत्पन्न करने में सीधा, वो कारक हेतु के अंतर्गत आता है। लेकिन ज्ञापक हेतु क्या होता है, ज्ञापक हेतु होता है जो कार्य है या जो चीज है बस उसको पता नहीं चल पा रहा, उसको दर्शाने वाला, उसको सूचना देने वाला, उसको चिन्हित करने वाला ज्ञापक हेतु होता है, ठीक है। तो लिंग क्या हो गया, जिससे पता चले कि ये है, ये इसका मतलब है। लिंगी क्या है, जिसके बारे में पता चले, जैसे देह, देही, देह क्या है, देह का मतलब है हमारे शरीर में होने वाले जितने भी पार्ट हैं, जो भी हिस्से हैं, अंग, वो सब देह के अंतर्गत आएंगे। देही उससे बनने वाला, ये अंदर जो विराजमान है वो देही। तो लिंग और लिंगी, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसका सार्वत्रिक उपधान जो दे रखा है वो सिर्फ यही देख दे रखा है, जहां जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य होगी। धुआं इसमें क्या हो गया, धुआं लिंग हो गया, और अग्नि क्या होगी, अग्नि लिंगी होगी,
सभी जगह यही उदाहरण है, सभी दर्शनों में यही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इससे सभी लोग परिचित होते हैं, इसलिए एक ही उदाहरण सभी जगह इससे दर्शाया गया है। तो इसमें हम थोड़ी सी और चर्चा में आगे चलते जाएं तो अनुमान में हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, अनुमान को थोड़ा और गहने से जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये लिंग लिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब अनुमान में बातें अभी साफ नहीं हुई है। अनुमान से सीधा तात्पर्य क्या होता है? जो चीज है बस उसके बारे में हम पहले से जानते हैं कहीं ना कहीं, तभी तो अनुमान लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा सकते। हमको पूर्व ज्ञान की जरूर आवश्यकता होती है, इसलिए तो यहां बताया कि पूर्ववत, सामान्यतः दृष्ट और शेषवत, इन दोनों से हटकर के जो भी चीज होती है वो शेषवत के अंतर्गत चली जाती है और उनका ज्ञान हमको पहले से ही होता है। हम अनुमान उसी चीज का लगा सकते हैं जिसको हम कहीं ना कहीं जानते हैं। जैसे पर्वत पर कोई व्यक्ति गया, वहां जाकर के देखा कि धुआं है, तो उसने अनुमान लगा लिया कि अग्नि है। क्यों अनुमान कैसे लगा लिया? क्योंकि वो बहुत पहले इस चीज को बार बार रसोई में जाकर के देख चुका है कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि अवश्य होती है। इस पूर्व ज्ञान से, यानी पूर्वत आ गया यहां पर, इसी से वह अनुमान लगा लेता है कि अग्नि पर्वत में भी मौजूद है। ठीक है, इसीलिए अनुमान के अंतर्गत आता है। अब इसमें और व्याख्याएं करूं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें बोला गया है लिंग परामर्शो अनुमानम, ऐसा बोला गया है ये तर्क भाषा में, लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात लिंग के परामर्श को ही अनुमान कहा जाता है। एक एक चीज मैं बता रहा हूं और दर्शन के साथ में। अब बात आती है कि लिंग कैसे किसे कहते हैं, तो व्याप्ति बलेन लिंगम, व्याप्ति बलेन गमकम लिंगम, अर्थात व्याप्ति के बल से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम लिंग है। व्याप्ति क्या है? बड़ी समस्याएं आती हैं इन चीजों में, क्योंकि उन्होंने तो परिभाषा करके छोड़ दिया है, उनको समझना बड़ा टिपिकल है। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति के ज्ञान से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसका नाम लिंग है। हम जानते हैं लिंग का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। लिंगयते ज्ञायन्ते इति लिंगम, जिससे किसी चीज की जानकारी हो वह लिंग है। तो व्याप्ति क्या हो गया? इसमें व्याप्ति के बारे में बोला गया सहचर नियमो व्याप्ति, अर्थात सहचर नियम को ही व्याप्ति कहा जाता है। सहचर का नियम क्या है? साथ साथ दो वस्तुएं अवश्य रहती हैं, उसको सहचर नियम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे जहां अग्नि है, जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य होगी। कोई मान लीजिए इससे हटके बात करते हैं, दो मित्र हैं और हमेशा उनको साथ ही देखता है कोई व्यक्ति, तो किसी पार्टी में या किसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति एक मित्र को देख लेता है तो अपने साथियों से, अन्य साथियों से कहता है, देखो ये मित्र तो आ गए हैं लेकिन इनके मित्र वो अवश्य आएंगे क्योंकि मैंने हमेशा इनको साथ साथ देखा है। इतने में ही वो पीछे पीछे दूसरे मित्र भी आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि देखो ये इनके दूसरे मित्र भी आ गए। तो ये साहचर नियम है, अर्थात साथ साथ रहने वाले। ठीक है, जैसे जहां जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य होगी, इसी का नाम व्याप्ति है। उम्मीद है समझ आ गया। परामर्श, परामर्श का मतलब होता है तृतीय ज्ञानम परामर्शम, अर्थात जो तीसरा ज्ञान होता है वो परामर्श कहलाता है। तो लिंग के तीसरे ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तीसरा ज्ञान कैसे? पहला ज्ञान तो हुआ रसोई घर में, ठीक है ना, रसोई घर में हो गया। दूसरा ज्ञान हुआ पर्वत पर, फिर तीसरा हुआ स्मरण के द्वारा। कैसे? पर्वत पर पहुंचता है कोई व्यक्ति तो उसने देखा धुएं को, तो अनुमान लगाया कि इसमें क्या है, अग्नि है। तो पहला ज्ञान उसका था मौजूद, ये दूसरा ज्ञान है। पहला ज्ञान क्या था कि रसोई में जब भी वो जाता था तो उसको धुआं मिलता था, धुआं के साथ अग्नि भी उसको मिलती थी। तो ये पहले ज्ञान से जैसे उसको दूसरे ज्ञान से जोड़ा स्मरण, तुरंत उसको स्मरण आया। स्मरण करना इसमें बहुत जरूरी, स्मरण को हम तीसरे स्थान पर रखते हैं। स्मरण आते ही उसको पर्वत का भी ज्ञान हो गया कि इसी प्रकार से ये पर्वत भी अग्निमान है। तीसरे ज्ञान से जब भी ज्ञान होता है अनुमान का कहलाता है, बिना तीसरे ज्ञान के आप अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अनुमान को, उम्मीद है आपको अब ये बातें समझ में आ गई होंगी।
अब इसमें थोड़ी सी और चर्चा करते चलें। पूर्ववत, सामान्यतो दृष्ट और शेषवत, इनको आगे चल करके दो भागों में और बांट दिया गया है। तीन भाग थे, इनको दो में समेट दिया गया है। एक तो है इसमें वीत और दूसरा है अवीत। ठीक है, वीत में पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट को रख दिया गया है, शेषवत अवीत के अंतर्गत। उदाहरण इनके मैंने तुम्हें बताई दिए हैं। पूर्ववत का उदाहरण हम जानते ही हैं, धुआं वाला, पर्वत पर जाने पर धुआं दिखाई देना, अग्नि का होना, रसोई का ध्यान आना, फिर अग्निवान होना, ये पूर्ववत के अंतर्गत है। सामान्यतो दृष्ट में सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे घड़ा दिखाई दिया, घड़े को देख करके बोलते हैं इसको कुंभकार ने रस बनाया हुआ, अर्थात कुंभकार का जो ज्ञान हुआ वो सामान्यतो दृष्ट के अंतर्गत रहा। रथ देखा, रथकार का ध्यान आया, रथकार ने इसको बनाया होगा, तो सामान्यतो दृष्टि के अंतर्गत आया। बरसात हो रही है बहुत, मतलब गीला गीला सा देखा उसने पृथ्वी को, याद आया कि वर्षा हुई है, सामान्यतो दृष्टि के अंतर्गत आया। इसी सामान्यतो दृष्टि के अंतर्गत सृष्टि को जब देखता है कोई व्यक्ति, यही मुख्य है यहां पर याद रखना, जब भी वो व्यक्ति सृष्टि को देखता है तो वो अनुमान लगा लेता है कि सृष्टि कर्ता अवश्य होगा, अर्थात ईश्वर ने सृष्टि की होगी। ये सामान्यतो दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। शेष वक्त थोड़ा सा कठिन है समझना, और आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये अन्वय व्याप्ति के अंतर्गत आता है। अन्वय का मतलब होता है जो है और उसको दूसरी आकांक्षा रहती है, वो अन्वय कहलाता है। ये आता है व्यतिरेक व्याप्ति के अंतर्गत, जो व्यतिरेक का मतलब एक ना होने पर दूसरे का ना होना, जैसे तालाब में धुआं भी नहीं है तो अग्नि भी नहीं होगी। तो शेष वक्त में एक उदाहरण दे रखा है कि शरीर सात्मक है, अर्थात शरीर में आत्मा है, ये उदाहरण दे रखा है। दूसरा शेषवत में उदाहरण, जैसे सामान्य तो दृष्टि में दिखाया था इस सृष्टि का कोई कर्ता है तो वो सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, ये सामान्य शेषवत के अंतर्गत आता है, और इसके बारे में विस्तृत से हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो वीत और अवीत को आप समझ गए होंगे, वीत पूर्ववत और सामान्यतो दृष्टि के, सामान्यतो दृष्टि को वीत के अंतर्गत रख दिया है, और शेषवत जो है अवीत के। वीत और अवीत हमेशा दिमाग में हलचल पैदा करते, आज के बाद उम्मीद है आपको ये हलचल पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, लिंग लिंगी पूर्वक हमने जान ही लिया। तर्क भाषा में या तर्क संग्रह में एक चीज और बताता चलूं, यहां पर अनुमान को दो भागों में बांटा गया है, स्वार्थ और परार्थ, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। तो स्वार्थ अनुमान का मतलब क्या होता है, यानी कि स्वयं ने जो कुछ जान लिया वो स्वार्थ अनुमान के अंतर्गत आता है। पहले मैं स्वयं रसोई में जाऊं, उसके बाद कहीं मौका मिले पर्वत पर जाऊं, वहां धुआं देखूं, अग्नि को देखूं, उसके बाद अग्नि का अनुमान लगा लूं, अपनी स्मरण के द्वारा देखूं कि मैं रसोई में जाता था जब भी धुआं होता था तो अग्नि अवश्य होती थी, तो ऐसे ये पर्वत भी अग्निमान है। ये तो अपने आप को जानना होगा, स्वार्थ अनुमान हो गया। परार्थ अनुमान का मतलब मैं स्वयं जानने के बाद दूसरे को समझाऊं, उसके कठिन है समझाना, तो इसके लिए पांच अवयव की आवश्यकता होती है। पांच अवयव कौन कौन से होते हैं, प्रतिज्ञा होती है सबसे पहली, यानी कि पर्वत अग्निवान है, ये किसी को बताया, देखिए पर्वत अग्निवान है, दूसरे पूछा वो कैसे है भाई अग्निवान, तो दूसरा उदाहरण है उसमें हेतु है, क्योंकि पर्वत धुआंवान है इसलिए पर्वत में अग्नि है, किसी दूसरे को समझाना है, प्रार्थना में याद रखना, पांच अवयव होते हैं इसमें। तीसरा उदाहरण, क्या ठीक है उदाहरण तो दो इसका, उदाहरण है कि आप कभी रसोई गए, उन्होंने कहीं जरूर गए हैं, तो देखो जब तुम रसोई में गए हो तो वहां धुआं अवश्य होगा, धुआं होगा तो आपने जाकर के देखा रसोई में अग्नि अवश्य जल रही होगी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो ये उदाहरण हो गया, प्रतिज्ञा में पर्वत में अग्नि है, क्यों, क्योंकि वह धुआंवान है अर्थात धुएं से युक्त है। उदाहरण, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, उदाहरण के रूप में रसोई। चौथा है उपनय है, वैसे ही यह पर्वत है, और पांचवा है निगमन। इसलिए यह पर्वत भी अग्निमान है, ये इसमें बोला गया। तो ये पांच अवयव जिसमें होते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाते हैं कभी कभी समझाते समझाते, इसलिए मैं दो दो कारकों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पांच अवयव होते हैं इसमें,
दो तीन दर्शनों को साथ में लेकर के अध्ययन करने से क्या लाभ होता है कि एक बार हम पढ़ लें तो उसके बाद फिर भूलते नहीं है कभी। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप तो श्रुति आप तो वचनम इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। यहाँ आप तो वचन या आप तो वाक्य के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। आप तो वचन या आप तो वाक्य को जानने से पहले हम आप तो को थोड़ा सा जान लेते हैं। आप का मतलब क्या होता है? आप का सीधा मतलब होता है प्राप्त या युक्त, समीचीनी, दोषहीन। ठीक है, ये इस तरह से प्रयोग किया जाए आप्त के लिए। तो आप्त वाक्य क्या हो गया? यानी दोषहीन वाक्य से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है या दोषहीन वचन के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो आप्त वचन कहलाता है। ये मान के चलेंगे यहां। तो यहां पर बोला जाएगा आप्त श्रुति आप्त वचनम तू, यानी आप्त श्रुति ही आप्त वचन है। श्रुति आप्त को हमने जान लिया। अब श्रुति क्या है? श्रुति को हम जानते हैं कि वेद को ही श्रुति कहा जाता है। श्रूयते अनेनेति श्रुति, श्रुति वेद के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा माना गया है। इसमें एक चीज और जानते चलें, वेद वाक्य जो होते हैं, वेदों में जो भी प्रयुक्त किया गया है वो दोषहीन माने गए हैं। किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं होता, इसलिए उनको आप्त वचन माना गया है, आप्त श्रुति को। तो यहां पर आप्त वचन आपको समझ आ गया होगा, कोई भी वाक्य जो दोषहीन हो, समीचीन हो, ऐसे वाक्यों को आप्त वचन कहते हैं, और ऐसे वाक्यों को बोलने वाला व्यक्ति आप्त पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो इतनी सी चर्चा करनी थी इसमें, और बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ये। थोड़ी सी हमने कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कोई भी इसमें संदेह हो तो अवश्य कमेंट करें, जिससे कि हम उसका समाधान करने का प्रयास करें। कमेंट के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए। और फिर भी अगर कोई लगा तो मैं इसे अलग से कुछ समझाने का भी प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।